आपूर्ति विभाग के कार्यालय में समय से नहीं पहुंचे अधिकारी, भीषण गर्मी में लोग रहे परेशान। यूपी के जनपद इटावा में भरतना चकर नगर लखना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आज आपूर्ति कार्यालय में सुबह से ही लोगों का जमावड़ा लगा रहा, लेकिन अधिकारियों की बात करें तो अधिकारियों के पास ग्रामीणों के लिए कोई समय ही नहीं है। जबकि कार्यालय खुलने का समय 10 बजे से 1 बजे तक बृहस्पतिवार शुक्रवार को है, लेकिन साहब को किसी भी व्यक्ति की कोई चिंता नहीं है। वहीं साहब ने आज 12 बजे कार्यालय पहुंचकर अपनी उपस्थिति दिखाई। लोगों का सुबह से ही कार्यालय के बाहर भीषण गर्मी में खड़े खड़े बुरा हाल बना रहा। लोग परेशान होकर उपजिलाधिकारी कार्यालय शिकायत करने पहुंच गए। वहीं आपूर्ति इंस्पेक्टर ने बताया कि जनता की समस्या दो प्रकार की है। एक समस्या, लड़की की शादियां हो जाती हैं, उनके नाम जुड़ना व कटना। कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उनके नाम कटने का अपडेट चलता रहता है, जिस कारण लोगों की कार्यालयों पर भारी भीड़ बढ़ जाती है। वहीं दूसरी समस्या है कि 2011 की जनगणना के आधार पर हर एरिया का लक्ष्य निर्धारित है। टाउन एरिया का लक्ष्य वर्तमान में पूरा हो चुका है। टाउन एरिया का लक्ष्य 65.4% और ग्रामीण क्षेत्र के एरिया का 80% राशन कार्ड बनता है। क्या नाम है आपका? आरती देवी। यहाँ आपूर्ति कार्यालय आई है भरतना में, क्या समस्या है? राशन कार्ड सही करवाना, बच्चों के नाम चढ़वाने राशन कार्ड पे। कितना समय हो गया आपको? 3 साल से घूम रहे हैं यहाँ पे हम। तो अभी इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या कारण है? क्या कारण है? जब जनता का काम नहीं हुआ तो भीड़ तो यहाँ लगेगी। क्या अधिकारी है ऑफिस में? नहीं अधिकारी है। कहाँ गए हैं? हमको क्या पता कहाँ गए। कितना समय हो गया आपको यहाँ इंतजार किए हुए? हम यहाँ 11:30 बजे से बैठे हैं। अभी तक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पे। क्या समय है इनका आने का ऑफिस? 10 से 1 बजे का समय दिया है। यहाँ आप कितने समय से खड़ी हुई हैं? 10 बजे से। क्या काम कराने आई थी? बच्चों के आधार कार्ड के नाम चढ़वाने। चढ़ के नाम क्यों नहीं चल रहे? अरे सर नहीं है। कितने बजे से नहीं है सर? 10 बजे। मतलब सुबह से आई नहीं है? नहीं सर। कितने लोगों की इस तरह की समस्याएं हैं? बहुत ही दिन की है, 15-17 साल की लड़की हो गई है और बच्चे 3 है, अभी तक नाम नहीं चढ़ा है। कहाँ से आई हैं? नगला नरपत से। नाम है आपका? हमारा नाम निर्मला। क्या समस्या है आपकी? हमें बच्चों के नाम चढ़वाने हैं। तो अधिकारी हैं यहाँ ऑफिस में? यहाँ अधिकारी अभी आए नहीं, हम 9:30 बजे से रहे यहाँ पे। इससे पहले और भी कभी आए? हाँ, अगले विरासत को आए थे, तब बोल दिया आगे नहीं चढ़ेगा, अगले विरासत को चढ़ेगा। दो तरह की समस्याएं, पहला तो ये है कि बहुत लोगों की शादियां होती हैं, उनके नाम जोड़ने होते हैं। बहुत लोग मृतक हो जाते हैं, उनके नाम कटने होते हैं। तो इस तरह के रेगुलर अपडेट्स होते रहते हैं राशन कार्ड में, तो वो लोग अपना ऑनलाइन आवेदन करा के आते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर हमारे पोर्टल पे शो हो जाता है, उस पर डिजिटल साइन कर लिया। तो इस समस्या का समाधान 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर हो जाता है। दूसरी समस्या ये है कि 2011 की जनगणना के आधार पर हर एरिया का लक्ष्य निर्धारित है। जैसे टाउन एरिया में वो लक्ष्य 65.43% है और ग्रामीण क्षेत्र में 79.56%। तो टाउन एरिया का लक्ष्य वर्तमान में पूरा हो चुका है। तो जब लक्ष्य पूरा हो जाता है तो हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। अब उसमें ये कंडीशन बनती है कि जब पात्रों के काटे जाएंगे तब पात्रों के बनेंगे। तो इन लोगों को ये चूंकि थोड़ा सा ये कन्विंस नहीं जल्दी हो पाते कि सबका कार्ड नहीं बनेगा। अभी भी आम पब्लिक के दिमाग में ये बना हुआ है कि 100% पब्लिक का कार्ड बनता है, जबकि ऐसा नहीं है। टाउन एरिया में 65% लगभग और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80% लोगों का ही कार्ड बनना है, अर्थात नगरीय क्षेत्र में 35% लोग हमेशा राशन कार्ड की परिधि से बाहर रहेंगे और यही लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा कार्ड नहीं बनता। तो यहाँ पे हम असमर्थ हैं क्योंकि लक्ष्य के अनुरूप ही हम कार्ड बना पाएंगे, लक्ष्य से ज़्यादा कार्ड नहीं बनाया जा सकता। अभी तक कितने बन चुके हैं? अभी जो है हमारा टाउन एरिया पूरा कंप्लीट है, 65.43% हमारा फुल हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्र में अभी 2-4% जगह है, तो ग्रामीण क्षेत्र का काम चल रहा है।